नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खडवा के महालक्ष्मी माता वार्ड क्रमांक 35 में मौजूद हैं और निर्वाचन आयोग ने एक संक्षिप्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया है, जिसके अंतर्गत जो मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से रह गए हैं या किसी तरह का उनका कुछ संशोधन या सुधार है, उस संबंध में BLO लोगों के पास जाके, मतदाताओं के पास जाके उनसे चर्चा कर रहे हैं और उन्हें जानकारी दे रहे हैं और उसमें किसी तरह की असुविधा होने पर उनकी मदद कर रहे हैं। इसी तारतम्य में इस वार्ड क्रमांक 35 के जो BLO हैं कपिल डोंगरे जी, वे इस वार्ड में पहुंचे हैं और लोगों को जानकारी दे रहे हैं और मतदाता सूची के संबंध में इनकी मदद कर रहे हैं। हम कपिल भाई से बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार, मैं कपिल डोंगरे जी, BLO भाग संख्या 249 जी। मेरे पास वार्ड जो है महालक्ष्मी माता वार्ड है जी, जिसके मैं हाउसिंग बोर्ड वाले इसमें अनुभाग में आया हूँ जी। जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय, कलेक्टर महोदय द्वारा जी कल समक्ष में सभी BLO को कहा कि 10 और 11 तारीख में जिन लोगों के नाम छूटे हैं उनके नाम मतलब जोड़े हैं वो मतदाता सूची में जी, और जिन लोगों के मतलब परसेंटेज मतदान के परसेंटेज कम है उनके लिए भी वो लोगों से संपर्क कर मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों से मेलजोल करें और उनसे मतलब अपना संपर्क बनाए ताकि मतलब आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो सके और अधिक से अधिक लोग मतलब उसका फायदा ले सके। सर मतदाताओं को जो वोटिंग संख्या कम रह जाती है तो उसके लिए आपको जो प्रेरित करने को कहा है तो आप किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं? सर जिला पंचायत की तरफ से स्वीप का कार्यक्रम चलता है जी, जिसमें CO साहब मतलब उसके अधिकारी हैं चैलेंज सिंह जी सोलंकी साहब जी, तो वो स्वीप का मतलब संचालन करते हैं जी, जिसमें लघु नाटिकाएं होती है, रैलियां निकलती है जी, और उसके साथ में मतलब जागरूकता के लिए उनके एक वीडियो कोचिंग वाली एक बस चलती है जी, जिसके माध्यम से वो सभी दूर जाते हैं और उसका प्रचार किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं? सर मैं सबसे संपर्क करता हूँ घर घर जाके जी, और जैसे अपने जो क्षेत्र है मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ मस्जिदों से मतलब अनाउंसमेंट करवाया जाता है, मंदिरों में जो रहता है मंदिरों में जो पुजारी वगैरह रहते हैं जो शाम को लोग बैठते हैं उनसे वो चर्चा करते हैं जी, और उसके लिए प्रेरित करता हूँ जी। तो ये कपिल डोंगरे जी हैं, इन्होंने बताया कि भाई मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं और इसी क्षेत्र के मतदाता हैं रुआब पठान जी, वे समाज सेवी हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए, हम उनसे बात करेंगे। सर आपके वार्ड में BLO साहब आए, आपको क्या मार्गदर्शन दिया उन्होंने? BLO साहब जो है कपिल भाई जी हमेशा आते रहते हैं जी, और सबको मतदान करने के प्रति जी सबको उत्साहित करते हैं, बताते हैं कि ये मतदान जो है वो अपना अधिकार है और इसका बिल्कुल उपयोग करना चाहिए जी, और सरकार की भी ये मंशा है कि मुस्लिम क्षेत्र में और दिगर दूसरे अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ भी है तो मतदान की जो प्रतिशत है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े जी, और इसी सिलसिले में कपिल भाई हमारे वार्ड में आते रहते हैं जी, 4-6 लोगों को बिठा करके उनके बारे में बताते हैं और ये भी कहते हैं कि भाई आपके क्षेत्र की जो मस्जिदें हैं वो मस्जिदों के माध्यम से शुक्रवार की नमाज में आप अलाउंस करवा दें कि जो लोग बचे हुए हैं जिनका अभी नाम नहीं जुड़ा है वो लोग अपने नाम जुड़वा लें ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो भी समय के ऊपर मतदान कर सके। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर आपको आप क्या कहना चाहेंगे BLO साहब, किस तरह से लोगों को मार्गदर्शन? कपिल डोंगरे जी एक कर्मठ BLO हैं, ये हमेशा घर घर जाकर जैसे कोई नई बहू आई है या जिसने 18 साल की उम्र पूरी कर ली है जी, या कोई बाहर से आने वाला यहाँ पर बस गया अपना नाम जुड़वाना चाहता है तो ये हर मतदाता को प्रेरित करते हैं। मैं भी अपने दामाद का और बेटी का नाम लिखवाने के लिए ही इनके पास आया हूँ कि वार्ड क्रमांक 40 से उनका नाम काटकर वार्ड क्रमांक 35 के अंदर उनको जोड़ने के लिए मैंने कहा है और तुरंत उन्होंने ये काम को अंजाम दिया। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रजातंत्र की पहली पीढ़ी सीढ़ी ही BLO होता है और यही जागरूक करते हैं मतदाताओं को मतदान करने के लिए ताकि परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा बढ़े और हम प्रजातंत्र को जिंदा कर सकें जी। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।